Ma'am, live. as soon as we start, yes. Hello. Tanya, please start. Ria. Ji, hello. Yes, ma'am. मैं शुरुआत करती हूँ. मैं सोनी बोल रही हूँ. पटचित्र आर्टिस्ट. हेलो. नमस्कार मैम. अभिनंदन. जी. नमस्कार मैम. नमस्कार. मैं रिया शर्मा मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा. आप सबका पिकमेक के द्वारा आयोजित कार्यक्रम अनुभव में हार्दिक स्वागत करती हूँ. अरे पत्र सुना दी कहूं ना सदन संग मीट करो बोले से तो अलग अलग ये रे पहुंचे नहीं मुकन मत तो से पर्यंत जी. प्लीज कंटिन्यू रिया. यस मैम. पिकमे के एक अराजनैतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक युवा आंदोलन है जिसका उद्देश्य है भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर उसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवा मन को प्रेरित करना और साथ ही औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करना. इसकी स्थापना सन 1977 में वर्तमान में IIT दिल्ली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉक्टर किरण सेठ द्वारा की गई. COVID-19 महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं. स्कूल कॉलेज के युवाओं को तो गहरी निराशा का सामना करना पड़ा है. पिकमेके ने हमेशा युवाओं को सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा से भरपूर रहने के लिए प्रेरित किया है. हमने लगातार कोशिश की है कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति सभ्यता और परंपराओं का ज्ञान प्राप्त हो और यह उनकी पढ़ाई का हिस्सा भी बने. इसी को साकार करने की कोशिश अनुभव 2021 कर रहा है. आज हमारे बीच आदरणीय श्रीमती सौदामिनी स्वाइन जी मौजूद हैं. अभिनंदन सौदामिनी जी. अब मैं तान्या यादव से अनुरोध करूंगी कि वे पटचित्र के विषय में बताएं. नमस्कार. मैं तान्या यादव स्पिकमे के वॉलंटियर मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ. आज मैं आप सभी को पटचित्र के विषय में बताना चाहूंगी. माना जाता है कि 12वीं शताब्दी की शुरुआत में पटचित्र लोकप्रिय जीवित कला रूपों में से एक है और उड़ीसा में लोग आज भी इसका अभ्यास करते हैं. भारत में पटचित्र लोक संस्कृति का हिस्सा रही है. पटचित्र चित्रकला के लिए चित्रकार कैनवस तैयार करने की एक पारंपरिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं. अंग्रेजी में हम इसे स्क्रोल पेंटिंग के नाम से जानते हैं. भारत देश के विभिन्न राज्यों में पटचित्रण की अलग अलग शैली विकसित हुई है. उड़ीसा की चित्रकारी की पटचित्र शैली उड़ीसा की सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय कला है. अधिकांशतः भगवान जगन्नाथ दशावतार रूपों भगवान गणेश कृष्ण लीला आदि देवी देवताओं का चित्रण होता है. आप सभी को आदरणीय श्रीमती सौदामिनी स्वाइन जी के जीवन से अवगत कराना चाहूंगी. आपका जन्म 2 मार्च. तान्या आप म्यूट हो गई हैं. अभी जस्ट म्यूट हुई हैं. ओके. आज मैं आप सभी को आदरणीय सौदामिनी स्वाइन जी के जीवन के अवगत कराना चाहूंगी. आपका जन्म 2 मार्च 1977 में उड़ीसा में हुआ था. आपने ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसेम से 1998 में पटचित्र हस्तशिल्प में महारत हासिल कर देश विदेश में इस कला को लोकप्रिय बनाया. अपने 27 साल के अनुभव काल में आपने सूरजकुंड मेला हरियाणा क्राफ्ट बाजार लखनऊ पुणे जयपुर और तोसली क्राफ्ट भुवनेश्वर आदि प्रदर्शनियों में भाग लिया. पटचित्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया. अब मैं आदरणीय सौदामिनी स्वाइन जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे बीच आए और हम और विद्यार्थियों को कला से प्रेरित करें. नमस्कार. इसी के साथ मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वे अपना माइक म्यूट
और कैमरा ऑन रखें और साथ ही कैमरे से उचित दूरी भी बनाए रखें, और यदि उन्हें कोई प्रश्न पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिखें अथवा रेज हैंड फीचर का प्रयोग करें। धन्यवाद। हेलो, मैं सौदामिनी स्वाई हूँ, पटचित्र नेशनल अवार्ड उड़ीसा से। सभी को स्नेह भरा अभिनंदन। मेरे प्यारे छात्र छात्रियों सबको सुप्रभात। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि माइके तरफ से मुझे यह सुयोग मिला हुआ है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सिखाने के लिए सुयोग मिला हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सभी को हमारा उड़ीसा की पटचित्र बारे में आप लोगों को चित्र के बारे में सिखाऊंगी थोड़ा सा। पटचित्र की जो शैली होता है उस बारे में थोड़ा सम्यक धारणा आपको मन में ले पाऊंगी। जो हमारा पटचित्र होता है ये बहुत पुराना है, उड़ीसा का प्राचीन कला है। उसमें भी बहुत सारे उड़ीसा के लोगों चित्र बनाकर जीवन जीविका निर्वाह करते हैं अच्छी तरह से, और सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग और हमारा जो छात्र छात्रियां है इसमें भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उसमें भी वो सारे जिंदगी निभाएंगे। क्योंकि चित्र इस टाइप का है जो मन तन लगा के बनाएंगे तो पटचित्र सबसे अच्छा होता है। उड़ीसा की कला उड़ीसा को विश्व दरबार में प्रतिष्ठित किया हुआ है। उड़ीसा की कला सबसे अच्छा और सबसे बारीक काम है जो पटचित्र होता है, इसलिए सभी छात्र छात्रियों को मैं अनुरोध करती हूँ कि ठीक से और ध्यान से मैं जो स्केच करूंगी या पटचित्र बारे में जो बोलूंगी ठीक से सुनना और बनाना बनाने के लिए अनुरोध करती हूँ। क्योंकि दूर से हम जुड़ा हुआ है वो पेंटिंग जो है 5 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, 5 साल 10 साल जीवन भर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो सीखते हैं और अच्छा से सीखेंगे और अच्छा से सीखेंगे, इसलिए हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन 5 दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तब पटचित्र बारे में थोड़ा सा सीख पाएंगे। देखती हूँ 5 दिन में मैं क्या सिखाती हूँ और बच्चे लोग क्या सीखते हैं। ओके, धन्यवाद। मैं अभी पटचित्र सिखाने के लिए तैयार हूँ। बच्चे लोग तैयार है कि या नहीं है हमको बताना चाहिए। सौदामिनी जी सभी तैयार हैं, आप अपना शुरू कीजिए। जी सर, जी जी सर, वो जो सौदामिनी स्वाई नेम का जो मोबाइल होता है उसको अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो गया है। जी सर, हो गया है। आपका दूसरा वाला मोबाइल म्यूट में रखिएगा। हाँ, तो दूसरा वाला मोबाइल म्यूट में रख। दूसरा मोबाइल म्यूट में जी रखिए। जी जी, जी मैम।
देखिए सर जी, मैं एक मत्स्य अवतार जो पेंटिंग पट्ट चित्र में विष्णु का 10 अवतार है उसमें मैं एक मत्स्य अवतार स्केच किए हैं, वो सारे दिख पाएंगे मतलब। और अभी अभी जो पेपर पेंसिल और इरेजर बोले थे लाने के लिए उसको ठीक से रखिए और पेंसिल को ठीक से रखिए, मैं स्केच करूंगी और बच्चे लोग दिखेंगे। पहले देखिए मैं पहले एक फेस बना रही हूँ, उसके बाद मैं सारे कंप्लीट फिगर स्केच करूंगी, उसको बच्चे लोग दिख के सीखेंगे। सिंपल मैं रबर टा करूँ सुनि मु बाबा को पॉकेट पंजाबी पॉकेट रे थिला देखिए ये हमारा जो पट्टा चित्र का शैली होता है, सारे फिगर कौन साइड फेस होता है पट्टा चित्र का, एक शैली होता है जो ओडिसी शैली के ओडिसी डांस शैली से होता है। फिगर थोड़ा सा
ये हो गया पेंसिल के पेंटिंग एक मस्त अवतार, मैं उनको राष्ट्र स्केच करती हूँ उसके बारे में। सौदामिनी जी आप थोड़ा सा अपना किताब घुमा सकेंगे, लाइट पड़ नहीं रहा उस पे, हम लोग कुछ दिख नहीं रहा आपने जो बनाया है। जी देखिए ये मैम पेंसिल से हो रहा है इसलिए डीप नहीं होता, हम उनको जो मार्कर से करेंगे तभी वो ज्यादा दिखाई देंगे। देखती हूँ वही मार्कर से बना हुआ है वही पेंटिंग देखिए। अच्छा अच्छा उस इसलिए वो जो पेंसिल में हो रहा है ना इसलिए लाइट आता है। अच्छा ठीक देखिए वो पेंटिंग को जो स्केच पेन में चलाएंगे उनके ऊपर वो डीप हो जाएगी और अच्छे से दिखाई देगी। पिला माने केमती देखी की करीबे टिके डार्क पेंसिल टा आ गया मुजो पेन मैडम मुझे पेंसिल रे कली ताको एने संगे जो मु कहि छी पेन पेन आनिया पे जो हमारा जो ब्लैक पेन रे लाइनिंग कले देखि परिबे आ त पिला मान को से कथाटा कहि देबे। सदामिनी जी आपण टिके मोबाइल को टिके यदि बुले दे परिबे पिक्चरटा बड देखा आबो पिक्चरटा बड देखा जेबो किंतु बुले देलो लैंडस्केप कर देले। हां जी ना ना हेलन अपन जिन सुविधा तो सेंद्र रखंदो। हां हां एटा हां ये ठीक है एकदम ठीक है अपन एटा ठीक एटा कोनो जे टिके एक्सपोजर ठीक होनी ओवर एक्सपोज जे सेट में पिक्चर टा क्लियर आसुनी पण आरंभ करन तो देखिवा टिके पोजीशन चेंज करले लाइट रे पोजीशन चेंज करले टिके भल दिखाई पारे ओवर एक्सपोज हो जाउछ टिके लाइट टा दे आप भी देखो कैमरा ठीक से फोकस होनी कैमरा ठीक रे फोकस ए कैमरा टा ठीक ये वाली दिख रही है सौदामिनी जी आपका पेंसिल वाला रखे। हाँ जी ये दिख रही है मैं पेंसिल वाला को और जो मार्कर से बनाती हूँ वो दिखाई दे जाएगा मैं अभी बनाती हूँ। आपंकर कौन होची लाइट का कैमरा आगरे अच्छी सेति पे ही फोकस ठीक से होनी लाइट का कैमरा आगरे अच्छी सेति पे वो लाइट कैमरा आगरो लाइट का अच्छी कैमरा आगरो लाइट का अच्छी माने एटा लाइट का जो ऊपर किमा कैमरा पछर होके ताले क्लियर दिखा हो। जी जी करते हूं मझी कोल्टा ले भेज लो। बंद कर दे एटा बेटर हला बेटर 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 हला हां बोलो एटा टिके बेटर हला एठ के टू वोल्टा दे दे आओ कैमरा टा को आपण जो पेज रे जो पृष्ठा रे आपण काम करछन सेई आड़ को फोकस करदो। हां पिला सिखियो ना हां आ सीधा सीधा कर दन सीधा निजर फोन को देखि एटा देखि के पिला माने ड्रा करन तू आरंभ करिवे यदि टिके टिके जी मैं देख हो गया मैम। हां थोड़ा बेटर है। हां बेटर है यदि आपण पूरा सेंटर को नै आसीबे जोठे आपण काम करचंदी पूरा क्लियर देखा आबो पिलांगो निजे आपण जान परे टिके मतलब बढाई दे टिके ट्राई करो राइट ये बेस्ट हुआ है बिल्कुल ठीक
पहले बच्चे लोग पेंसिल से स्केच करेंगे और उसके बाद पेन से करेंगे और इरेजर में उसको सफा कर देंगे तो पेंसिल स्केच चला जाएगा और मार्कर का जो होता है वह रह जाएगा खत्म। तुम मो बैग रु काटिकेटा भी बढ़िया हम अरे मोर बढ़िया एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है जी? एक पेंटिंग जी बनाने में? हाँ, ये तो पेंटिंग नहीं है, ये उसको हम दिखाते हैं पेपर में, पेपर में स्केच दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो पट्टी होता है ना, पट्टी के ऊपर मैं दिखाऊंगी कलर से। अच्छा। और ये जो हमारा 8-10 साइज का 2 दिन लगता है बनाने के लिए, उनका डिजाइन सिर्फ अलग है, लेकिन वो सिर्फ स्केच होता है। जो पहले स्टूडेंट्स लोग सीखेंगे तो हमारा पेपर और पेंसिल और मार्कर से सीखेंगे, उसके बाद जो बनाएंगे 2 दिन लगेंगे एक पेंटिंग खत्म करने के लिए छोटा सा। ठीक है, ठीक है, मतलब 8-10। अच्छा है सदामिनी जी, बच्चों को थोड़ा बताइए स्केच कैसे करें, ये मुश्किल स्केच है, उसको कैसे करें जी? ये जो स्केच पहले जो हाँ जी जो पहले पेपर लेते हैं बच्चे लोग, उसके सेंटर में एक स्केल और पेंसिल से एक जो रेखा दे दीजिए, मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दिखाती हूँ स्केल डाल के। स्केल जी जी मैं दिखाती हूँ एक पेपर से, देखिए ये हमारा ओरिजिनल पट्टी होता है, उसका बीच में दिखाती हूँ पेंसिल में एक हल्का जैसा पेंसिल में दे दीजिए लाइनिंग,
और उसके बाद में वो बीच से मैं दिखाने के लिए मार्कर से बनाती हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं जाएगा। और वो जो लिखिए सेंटर में दे दीजिए, ये पेंसिल में लाइन ड्रॉ करना है बच्चों ने। हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि उनका एक बार में नहीं हो पाएगा, मार्कर से कराने से वो जो क्या लिखाएंगे जो वो लिखेंगे नहीं, इसलिए पेंसिल से बच्चे लोग करते हैं तो वो इरेजर में जो भूल होगा उसको ठीक कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं लेकिन मार्कर से दिखाती हूँ। हाँ। वो जो कैमर में जो दिखाई नहीं रहा है पेंसिल से करती हूँ, इसलिए मैं मार्कर से बताती हूँ। वो जो बीच में लाइनिंग ये करेंगे उसमें पहले फेस बनाएंगे। देखिए पट्टा चित्र में जो स्टूडेंट लोग सीखते हैं वो पहले फिगर नहीं बनाते, वो जैसे पद्म जैसे फूल बनाते हैं और मछली और जो हंस और घोड़े और हाथी इस टाइप का बना बना करके लास्ट को फिगर को बनाते हैं। लेकिन हम जैसे वो जो प्रोग्राम 5 दिन का है तो हम जो पहले सीखते हैं उसको नहीं सिखाते, लेकिन हम दिखाऊंगी सिखा के जो बना के रात को हम कल दिखाएंगे पहले से पहले क्या शुरू होता है पट्टा चित्र सिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम एक फिगर बनाते हैं जो कि बच्चे लोग का इंटरेस्ट आएगा कि वो सीखेंगे। वो देखिए ये रफ स्केच होता है, पहले फेस उनका नेक और उनका चेस्ट उनका बेली और वो उनका कमर इंग्लिश और उसके बाद एक कृष्णा की पेंटिंग में बना देती हूँ, कृष्णा करती हूँ। ये देखिए उनका पैर होता है इस टाइप का, वो जो सेंटर को टच करेंगे नहीं तो फिगर खराब हो जाएगा। ये देखिए ये उस टाइप का टच करेंगे तो उसका कपड़ा हो जाएगा। देखिए और एक फिगर आ गया, वो जो रेखा को वो फिगर का फिंगर टच करेंगे। ये देखिए वो और एक कपड़े होते हैं। तो पार्टिसिपेंट शी इज टेलिंग टू गेट द फिगर राइट द फीट हैव टू टच द सेंटर लाइन। जी जी मैम, सेंटर लाइन करेंगे तो फिगर अच्छा रहेगा। अच्छा, एक एक सुझाव है, अगर आप कैमरे को दूसरे तरफ ले लें तो फिगर क्लियर दिखेगा, आपका हाथ आ जा रहा है सामने। मैं तो बन पाऊंगी ना, वो तो हाथ रहेगी और उसके बाद तो उसको दिखाएंगे इधर। आपका आपका राइट हैंड के ऊपर है, बाएं ओर अगर कैमरा ले जाए, लेफ्ट बाएं ओर रखिए कैमरा, बाएं ओर रखिए कैमरा को, बाएं ओर रखिए। हाँ, ये ठीक है, और भी क्लियर दिखेगा जी। हाँ, और थोड़ा एडजस्ट करें जैसे पिक्चर सेंटर में आए। सिंपल रिपोर्ट रख लो, देखिए फिगर। हाँ, आप बढ़िया दिख रहा है, और थोड़ा आप खुद ही देखिए। अरे सिंपल कहूँ चंदी। हाँ, आपके बाईं ओर जो सामान रखा है ना उसको अगर आप दाहिनी ओर ले जाएं तो आप पेपर को और भी कैमरे के सेंटर में ला सकते हैं। बस बहुत अच्छा। अरे सिर्फ पहुंच मेरे सिंपल तो कुछ न कर पाए, देखते जरा तक ना आए तो। बहुत अच्छा, ये एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ
जी आज पहला दिन है तो बस ठीक है। प्रधान समेश्वर को पिन करो वो ज्यादा बड़ा दिखा जाएगा, ये मेरा बेटा बोल रहा है। तो नाम तक तुझे काटी दी असुविधा हजार ये उनका उत्तरी होता है वो देखिए। चलिए तो ये बेसिक कृष्णा का फिगर हो गया जी, ये कृष्णा का फिगर हो गया। हाँ सो पार्टिसिपेंट्स यू कैन सी हाउ प्रोपोर्शनेटली ऑल द बॉडी पार्ट्स आर प्रोपोर्शनेटली मेड फ्री हैंड जी। ये देखिए ओके ठीक है थैंक यू। आई थिंक एक सेकेंड ऐसे रखिए पार्टिसिपेंट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। जी 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 थोड़ा सा रुकिए उनका कृष्णा के बोंचे बना दी हूँ मैम। अरे धोला कलर टिके देखे अलगा अलग का लिव है थोड़ा टॉस पर से धोला कलर तुले टिके आई बटे रेपले धुना धोला कलर तुले टिके देखे ये देखिए वो जो ए फिगर हो गया लेकिन हमारा जो पेंसिल में नहीं किए ना मार्कर्स से किए है ये जो वो जो है ना क्रॉस लाइन को मैं थोड़ा सा सफेद कलर से लिखा सकती हूँ लेकिन बच्चे लोग इरेजर से लिखा सकेंगे क्योंकि वो पेंसिल में करते हैं ना वो इरेजर से
ठीक हो जाएगी। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द पेपर एंड इन द सेंटर लाइन में, सेंटर में एक लाइन बनाना है एंड फिर उसके बाद पेंसिल में ड्राइंग करेंगे, फिर उसके बाद स्केच स्केच पेन से उसको आउटलाइन करने के बाद जो भी पेंसिल लाइंस है वो आप मिटा सकते हैं जी। ये इस टाइप का इरेजर को साफ करने से पेंसिल जो पेंसिल का हाँ, क्या पेंसिल लाइन है हाँ लाइन मिट जाएगा, हाँ मिट जाएगा और उसके बाद मार्कर का जो लाइन वो रह जाएगा, इसलिए वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी जी। देखिए अभी मैं क्रॉस लाइन को व्हाइट कलर से खत्म कर दिए, तो धीरे धीरे फिगर एकदम फर्स्ट क्लास उभर के आ रहा है जी, वो फर्स्ट क्लास हो जाएगी अभी अभी। देखिए ये देखिए ये देखिए, इस तरह इस टाइप का डिजाइन भी कर सकते हैं। वो जो पेंटिंग हम बनाएंगे कलर से वो सारे बता दूंगी, अभी अभी इस टाइप का मार्कर से बना देंगे। जी देखिए अभी कंप्लीट हो गई, हाँ बहुत अच्छा बना लिया। आप फिर मेन उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर चलते हैं जी। पानी डबा मैं इच्छा रखी थी सब। बच्चे लोग आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है, एक एक स्टेप के बाद। मैम हमें ये पूरा बनाना है जी, हाँ बनाओ। ये वाला नहीं, वो दूसरा दिखाएंगे ना, वो बनाना है। हाँ जी मैं दिखाती हूँ, और एक बनाने जो मेन बनाना है वो बताइए। देखिए मेन तो हम बनाएंगे, एक पहले एक कृष्ण बनाएंगे। हाँ ठीक है, ये देखिए मैं एक भाग बनाती हूँ। ये देखिए मैम, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेवन हाफ का फिगर होता है, एक फिगर कंप्लीट होता है। जो भाग मतलब वो जैसे फेस जितने से लेंगे, 1 इंच मतलब 1 इंच लेंगे तो फेस को हम फिगर जो बॉडी बॉडी को इस ईच इंच के हम 3.5 इंच देखिए 1 2 3 4 इंच से हम कमर बनाएंगे तो फिगर ठीक रहेगा। दिखाई जाती है ना मैम? हेलो हाँ 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 बिल्कुल दिख रहा है। एक मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ, एक मिनट देखिए। फिगर फिगर व्हाट यू हैव टू डू इज जो भी साइज का फिगर बनाना है उसको 7.5 हिस्सा में आपको डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, 7.5। ठीक है, एक हिस्सा होगा सिर का हेड एंड 4 3.5 में होगा कमर, उसके नीचे होगा पांव का हिस्सा। हाँ देखिए पांव है वो जो 4 इंच से
साढ़े तीन इंच का सेवन जो होगा उसमें पैर करेंगे, हाफ इंच का पैर, सॉरी हाफ इंच का पाद बनाएंगे जो पैर तो साढ़े तीन इंच का लेंगे। देखिए वो क्लियर दिखाई देते हैं जो फेस इंच जी, वही फिगर का जो माप होता है जो हम बनाते हैं उसका भी कुछ साइज होता है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी लेग जो पैर ना छोटा हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक बोला। और जो जी जो हाथ बना हुआ है अढ़े इंच क्या होगा, जो हाथ इंच इंच दो इंच और जो फिंगर जो होता है ना हाफ इंच का हाथ का बता दीजिए देखिए हाँ ढाई इंच क्या होगा, जो जो इंच लेंगे जो फेस इंच लेने वाले वो जो दो इंच का हाथ बनाएंगे, जो एल्बो से एक इंच और जो आर्म से जो एक इंच और कंधे से शोल्डर से शोल्डर से एल्बो तक एक इंच और एल्बो से और जो क्या बोलते हैं उसको पाम में फिंगर्स जी वो हाँ फिंगर्स नहीं फिंगर्स तक डेढ़ इंच होगा। देखिए वही तक वही से वही एक इंच और वही से वही एक इंच और वो वाले हाफ इंच ओके वो लेंगे तो फिगर ठीक हो जाएगा, नहीं तो जो बच्चे लोग डेढ़ इंच में बनाएंगे इस देखिए वो वाले को जो डेढ़ इंच में बनाएंगे इस टाइप का भाग लेंगे वो डेढ़ डेढ़ बाई लेंगे इतने में इसमें कमरा बनाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, मतलब इस टाइप का ललित मैं दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में दिखाती हूँ मैम दिखाती हूँ बच्चे लोग सीख जाएंगे, आप भी दिखाती हूँ वो जो बच्चे लोग बनाते हैं एक एक का पेंटिंग दिखाएंगे तो उसका क्या गलत हो गया मैं उनको समझ लेंगे कि भी ठीक कर लेंगे। एक एक स्टूडेंट का पेपर दिखाइए वो कैसे बनाते हैं सुबह जनवरी Yes, students, any one of you, please volunteer. Please show your paper. I see all the cameras are off. Can we please switch on our cameras? Please switch on your cameras. See, she has told us a very important thing, how to get the figure right. By she wants to see one of the drawings. So can one of you please show your drawing? Just... yes, Tanish is showing. So, Damini ji, Tanish ka dekhiye, wo dikha rahe. Ji. Tanish dikha rahe. Mujhe dikhai nahi raha hai, ma'am. Tanish dikha rahe. Nahi, mujhe dikhai nahi raha. Dikhaiye. Pin kariye. Can you show it again? Tanish, can you show it again? पिन करो मैम मुझे दिखाई नहीं रहा है पिन किया हुआ है तनिष का कैमरा ऑफ है एक सेकंड रुक जाए एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू जस्ट प्लीज पुट योर ड्राइंग अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा सो दैट सौदामिनी जी कैन सी इट सौदामिनी जी जरा कैन यू शो जरा सुनिए बच्चे जो है आप समझिए कि ये एकदम छोटे बच्चे इनको कुछ नहीं आता ये समझ लीजिए क्योंकि उनका देखना वगैरह ये सब कैमरा में ये संभव नहीं है और समय भी नहीं है। आप जो है समझिए इनकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है उसी हिसाब से आप एकदम शुरुआत से जो छोटा छोटा चीज आप कर सकते हैं वो कीजिए। जी जी मैं मछली बनाती हूँ और जो पौधे फूल का स्केच बनाती हूँ वो थोड़ा सा ज्यादा सीख पाएंगे
ह्यूमन फिगर अभी करना मुश्किल होगा, वही बताइए छोटे छोटे से शुरू। जी 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 मैं मछली बनाती हूँ वो दिखाएंगे। एक तरह नकली आपको ये बाद में बनाएंगे जी। कार्डबोर्ड से करिए इधर पेंसिल उसको भी बीच में सेंटर में एक लाइन बना पकाओ, दिखाती हूँ छोटा छोटा। Students make a line on the paper like she is showing. जी और देखिए वहां पर उसके बाद में everyone keep doing it with her. Tanish wants to say something. Yeah. Yes, Tanish. You've raised your hand. I've unmuted you. You can ask. Clear नहीं दिख रहा। Clear नहीं दिख रहा। हाँ, clear clear हो जाएगी marker से बनाने से। मैं दिखाती हूँ। अभी मैं pencil से बनाती हूँ। इसलिए clear नहीं होता है। देखते हैं। Clear हो जाएगी बेटा। मैं पेंसिल के बाद मार्कर से बनाऊंगी, अभी आपको क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स मेरा ये अनुरोध है, आप आज सुने सदामिनी जी जो जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, जितना आप कर सकते हैं ध्यान से सुने, बाकी जो टेक्निकल इश्यू जो है वो कल हम ठीक कर लेंगे ताकि उनका काम पूरा क्लियर दिखे। आज जो जो वो कह रही हैं और जो कर रही हैं आप सुन के और जो हो पाता है आपसे करिए, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो पेंसिल में हो गया, अभी पेंसिल में हो गया, मैं उसके बाद मार्कर से बनाती हूँ, अभी तो ठीक हो जाएगा, कैमरा में ठीक आएगी। धीरे धीरे चलिए सौदामिनी जी, धीरे धीरे चलिए जी, जी। बच्चों को थोड़ा सा बनाने दीजिए। देखिए मैम वो जो बीच में जो लाइन ये हुआ हाँ, है उसके इधर से जितने स्पेस लेंगे उधर से इतने ही स्पेस लेंगे तो ठीक होगा। इससे इससे देखिए इधर से जो सेंटर में जो हुआ है लाइनिंग इधर से जितने ही स्पेस लेंगे और इधर से उतने ही स्पेस लेंगे तो जो पौधे की पाखुड़ा होता है ना वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद उससे जो बीच से वन साइड जितने ही लेंगे और उनका एक पाखुड़ा जो होते हैं उसको भी इस टाइप का लेंगे और उससे नीचे नीचे और कमा कमा के इस टाइप का लेंगे तो पौधे का जैसे वो हो जाएगा ठीक से। देखिए ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज मेक वो देखिए ऊपर वाला पांचवा पाखड़ा होता है और नीचे वाला तीन, ये थोड़ा पांचवा पाखड़ा को तीन पाखड़ा में उस टाइप का हो जाएगा। तो उसको इस टाइप का और उसको और एक भीतर लाइनिंग लेंगे इस टाइप का लेंगे तो बीच में इस टाइप का, ये क्योंकि वो जो पद्म होता है ये फोटो चित्र का पहला स्टेज होता है, वो जो बच्चों लोग आते हैं हमारे पास वो भी पहले पद्म से शुरू करते हैं फोटो चित्र का, ये पहला स्टेज होता है क्योंकि हमको लक्ष्मी बनाने का जो होता है फोटो चित्र में
ये पद्म फूल का आवश्यक होता है क्योंकि लक्ष्मी पद्म के ऊपर खड़े होते हैं और उनके हाथों में भी पद्म होते हैं ना, इसलिए पटचित्र जो सीखते हैं पहले पद्म सीखेंगे। ये पद्म जो होते हैं ना ये सारे पेंटिंग में आवश्यक होता है। जो विष्णु के फिगर करेंगे तो विष्णु भी पद्म जैसे फूल का धारण करते हैं ना, पद्म पटचित्र का सारे पेंटिंग में होगा ही होगा। वो जो पद्म का फूल होते हैं वो सारे पटचित्र में बहुत जगह देने का आवश्यक है, इसलिए पद्म सारे स्टूडेंट्स सीखना चाहिए। ये देखिए और एक रिकॉर्ड होता है इस टाइप का, ये उनका पट्टा है। और उसके बाद में देखिए पेन इरेजर से पेंसिल जो होता है लाइनिंग उसको लिखा दीजिए, इस टाइप का पेंटिंग क्लियर हो जाएगा। ये मार्कर ही रहेगा और पेंसिल का जो स्केल ये टूट जाएगी। देखिए पेंटिंग क्लियर, मेरे हाथ इरेजर है, देखिए ये बच्चों लोग सीख जाएंगे मेरे को, देखिए इस टाइप का। और उसमें भी हम थोड़ी धीरे धीरे कर लो। हाँ हाँ दिखाती हूँ, और अभी भी और एक दिखाएंगे वही फूल मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे। देखिए बच्चों ये देखिए, ये पहले एक लाइन खींचो दिखाई देती है और उसके इधर इस टाइप लेके लगा लो, हो गया। सुदामिनी जी पेपर अपना बाएं की तरफ ले आइए थोड़ा और, आप अपने बाएं की तरफ थोड़ा और, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक अभी ठीक। देखिए ये हो गया और इस टाइप को इस साइड को इतने ही और इस टाइप को। स्टूडेंट्स आर यू ऑल मेकिंग, पूरा एक घंटे को क्लियर आउट गेम Yes, ma'am. हो गया हाँ ये ठीक है।
और बाएं तरफ से भी इस साइज का और दो पकड़ा लेंगे, ये हो गया। और वो जो नीचे वाला है ना, ये ऊपर वाला पांच है, नीचे वाला तीन होंगे, तो इस टाइप का वो जो खड़े वाला उसको छोटा सा चटका मतलब वाइड इस टाइप बनाओ, क्योंकि एक तीनों पाखुड़ा को एक पाखुड़ा कवर करेंगे नीचे वाला। बच्चे लोग दिखाई देते हैं ना बेटा, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए वो कुछ नहीं है, मैं बीच वाले डंडे को घुमा देती हूँ, ये पेंटिंग क्लियर हो जाएगा। ये हो गया ना बेटा, देखे स्टूडेंट्स से है ना, देखो और ये देखिए घूमे लो तो ठीक से फिला जैसे टिकट है। गीतिशा दिखाओ कैसे बनाती हो,
कैमरा कितनी भी लगती है ना सिर्फ मोस्ट केस दिखो हाँ और थोड़ा नीचे वाला दिखाओ हाँ और तीनों पखड़ा को ठीक करो ये बीच वाला से लगाओ पखड़ा इस टाइप का दिखिए वो जो नीचे वाला है हाँ हाँ बहुत अच्छा है ये तीन पखड़ा आगे लगाओ वो फिनिशिंग बाद में करेंगे मैं जैसे करती हूँ ना देखो रेखा आगे आगे हाँ लगाओ समझ नहीं आ रहा है हाँ 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 लगाओ कहाँ से लो हाँ बीच बीच से लगाओ बीच को टच करो मैं दिखाती हूँ देखो इस टाइप का लो उसको इससे मिलाओ और उसको भी इससे मिलाओ बीच में मिलाओ हाँ लो हाँ ठीक ओके हाँ लेकिन वो जो मिलाते हैं ना वो नीचे वाला सीधा नहीं ये देखिए मेरे हाथ को देखिए ये थोड़ा सा इस टाइप का लो थोड़ा सा इस टाइप का मैम आई डोंट हैव मोर प्लेस सो कैन आई डू ओनली द फ्लावर इन द अदर टू लीव्स देखिए व्हाट डोंट यू नो विवियन ये हो जाएगा हाँ बहुत अच्छा है थोड़ा सा ठीक कर लो वो बड़े वाला हो जाता है वो जो नीचे वाला है ना वो जो नीचे वाला है वो ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा छोट कर जो छोटा सा कर लो नीचे वाला पकड़ा बढ़ गई है बहुत सुंदर बढ़ती है करके देखते थे रिधिमा वेरी नाइस हाँ बहुत सुंदर बनाई है रिधिमा और बच्चे दिखाइए और क्या क्या बनाते हैं और कौन सा बनाते हैं दिखाइए Who else wants to show नितिका हाँ दिखाओ जरा ठीक से दिखाओ ये तानिश दिखाओ वेरी नाइस नितिका ट्राई टू फॉलो हर स्टाइल ओके तानिश दिखाइए अपना हमारे साथ भी हमारा बच्चा लोग है स्टूडेंट्स सारे इंजीनियरिंग भूल करी थी के बड़ा छोटी तो ये पड़ेला ना कौन मी तीन ला तानिश दिखाओ पेंडिंग आपकी तो ये छोटका दिया वाला है ना कैमरा बंद तो म्यूट से पोइला जी ठीक है छोट प्लेट बहुत सुंदर मैदान
किसी हटी वाले बाबा किस तो करूं है ना कल पूरा वो ना मैं दें दें ना मुंह मरो पर ले मत इसे बोले Has everyone made a sketch? Yes, yes, they have shown also. Okay. एटा एबे कौन रंग करिबे जी हाँ रंग करो वो जो पिंक जैसे कलर भरना पिंक कलर लाइट पिंक मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा पेपर में दिखाती हूँ दिखाइए दिखिए ये नेचुरल कलर है लेकिन बच्चे लोग तो फैब्रिकल कलर से करेंगे लेकिन कलर देख लीजिए ये सारे कलर्स हैं ये देखिए रेड ब्लू पिंक व्हाइट और येलो और पीला कलर में नेचुरल कलर का रंग रंग वो जो नेचुरल रंग का नेम बताती हूँ नोट कर लीजिए अभी अभी हमारा पट्टचित्र का पहला कलर है सफेद सफेद मतलब व्हाइट कलर ये देखिए व्हाइट कलर ये व्हाइट कलर बहुत सारे कलर से मिलते हैं और व्हाइट कलर को येलो कलर से मिलाएंगे थोड़ा सा तो लाइट येलो हो जाएगी और जो येलो कलर का पटचित्र में जो बोलते हैं हमारा कलर सीरियल से मैं बता देती हूँ पहले सफेद कलर और दो है हो गया लाल रंग और तीसरा तीसरा हमारा जो येलो कलर का हरिताल बोलते हैं ओरिजिनल कलर की नेम है हरिताल मतलब जो येलो कलर हलदिया कलर बोलते हैं वो और कोर कलर जो होते हैं मिट्टी से गेरू मतलब जो पहाड़ जैसे कलर होते हैं नहीं रेड नहीं जो डीप रेड नहीं होते हैं लेकिन ये गेरू जैसे हैं ये दिखाती हूँ वही कलर देखिए वही कलर होता है और जो ब्लू बोलते हैं डीप ब्लू वो हम बोलते हैं उसको गार्ड नील पट्टा चित्र का गार्ड नील बोलते हैं उसी रंगों को उसमें सफेद कलर मिलाएंगे थोड़ा सा तो लाइट ब्लू हो जाएंगी स्काई कलर मतलब व्हाइट मिलाएंगे तो स्काई कलर हो जाएगी वो कलर और सिक्स कलर होता है हमारा डीप ब्लैक डीप क्या ब्लैक मतलब जो डीप जलते हैं उनके ऊपर एक वो तो अच्छा पेंटिंग बनाया है स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा है सो नाइस बहुत अच्छा बनाते हैं वो कौन बनाते हैं लाइट को मैंने तो मुझे नाम लिख लिया डीप और ब्लैक डीप जैसा डीप से ब्लैक जो मतलब हम डीप कला बोलते हैं डीप चन्या लीव्स भी बनाना लीव्स भी बनाओ पत्ते भी बनाओ हाँ वो विवियन वेरी गुड ब्यूटिफुल हाँ हाँ वेरी गुड हाँ गुड बाय
तो सौदामिनी जी जी, आप थोड़ा ये क्या कलर यूज करने हैं वो आप थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे बच्चों को कि कैसा कैसा रंग। हाँ, हाँ, मैं तो बच्चों को रंग दिखाई है कैमरे से, देखिए हम और जो छह कलर पटे चित्र में यूज करते हैं, छह ओरिजिनल कलर से हम बहुत सारे कलर मिला के लाइट और डीप जैसे करते हैं। छह कलर ओरिजिनल है, सफेद सफेद मतलब व्हाइट कलर। व्हाइट कलर किससे बनाया आपने? हम तो शंख शंख जो होते हैं ना समुद्र के, तो आप शंख से आप एक 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 बनाया आप हाँ, थोड़ा बताइए। हाँ ये देखिए सफेद कलर वो आ रही है कैमरे में, सफेद कलर जो है शंख से होता है और जो रेड वो भी मिट्टी से होता है। कौन सा मिट्टी? ये जो पहाड़ से रेड कलर का मिट्टी होता है ना। अच्छा अच्छा, इससे कलेक्ट करते हैं। हाँ। और जो तीन है हरितल, हरितल मतलब येलो कलर। अच्छा, फोटो चित्र का इस टाइप का नाम होता है उसका हरितल बोलते हैं, वो हमारा येलो कलर है। और गेरू होता है वो भी मिट्टी से होता है, मिट्टी होता है। और हाँ, हाँ और जो गाढ़ ब्लू वो भी वो सारे नेचुरल कलर मिट्टी से होता है। और सौदामिनी जी बोल रही हैं डार्क ब्लू। हाँ, वो जो गाढ़ नील बोलते हैं हम, और इंग्लिश में डीप ब्लू। गाढ़ नील किससे बनता है? डीप ब्लू किससे बनता है? वो जो वही मिट्टी से हम कलेक्ट करते हैं उसको। कौन से मिट्टी से? कैसे ब्लू कलर कैसे आएगा? वो जो कलर जैसे मिट्टी होते है ना वो सारे, देखिए हम जो थोड़ा सा ओरिजिनल कलर जो होते हैं येलो, हाँ येलो और ग्रीन को मिलाएंगे। हाँ तो ग्रीन सॉरी हाँ येलो और क्या येलो कलर जैसे होते है ना। हाँ और जो ब्लू कैसे मैंने ब्लू कलर कैसे सोची मैंने येलो डायरेक्ट ओरिजिनल ब्लू होते हैं और मिट्टी से कलर होते हैं ना। अच्छा, अलग अलग कलर का होता है इसलिए वो डायरेक्ट कलर होता है, उसमें थोड़ा सा कलर मिलाएंगे तो लाइट डीप होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। जो ग्रीन कलर भी है मैम, ग्रीन जो होते हैं पत्ते से होता है। ग्रीन जो हमें ग्रीन कलर को हम बताते हैं कि देखिए पीला कलर सॉरी ग्रीन कलर को पत्ता ग्राइंड करके बनाते हैं। जी जी अच्छा, और इससे देखिए और जो ब्लैक होते हैं ना डीप कला होता है, डीप कला और जो डीप डालते हैं उसको जो क्या घोड़े नीचे ढांकेंगे तो उसके अंदर जो ब्लैक होता है उसको पॉइंट के जो गम, पॉइंट के गम मतलब बेल जैसे पेड़ होते हैं उड़ीसा में, पॉइंट पॉइंट का पेड़ से पॉइंट का पेड़ से उसको वो जो गम को लेकर हम उसको मिलाते हैं, वो जो चुने नेचुरल कलर होता है उसको मिलाते हैं। इसलिए एक मिनट मैं थोड़ा समझा थोड़ा इन बच्चों को समझा देती हूँ कि इन जो काला रंग है वो आग जला के कोई बर्तन ढक देते हैं, बर्तन ढकने से वो कालापन उस पे आ जाता है तो उसको इकट्ठा करके वो फिर काला रंग बना देते हैं। और वो जैसे बेल जैसा एक और फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कैंथा बोलते हैं। उसका गोंद जैसा निकलता है, गम जैसा निकलता है, उसको फिर इकट्ठा करके क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जी उसको मिक्स करते हैं, उसमें वाटर भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अच्छा ओ करने के लिए। बहुत अच्छा बनाया। हाँ, तो फिर क्या करते हैं उसको? उसको पहले कलर डालना, देखिए जो पिंक कलर है स्टूडेंट लोगों को बोलो पिंक जो है ना पिंक को भरेंगे, मैं थोड़ा भर के दिखाऊं। पहला रंग वो पिंक, हम लोग लाइट से डार्क में जाएंगे है ना। हाँ जी,
और जो रेड जो हाँ जो व्हाइट होता है ना उनके पास व्हाइट ज्यादा रेड कम। अच्छा मिला हो आपके पास रंग है हाँ जी है? बच्चे लोग स्टूडेंट्स आपके पास कलर्स हैं बेसिक कलर्स? यस मैम। तो पिंक कैसे बनाएंगे? रेड में व्हाइट मिला मिला के उसको पिंक बनाएंगे। व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट और थोड़ा व्हाइट रेड और थोड़ा सा रेड लाइट पिंक हो जाए। ज्यादा व्हाइट और थोड़ा सा रेड मिला के उसको पिंक बनाइए। और जैसे हमें बता रहे हैं वैसा आप देखिए all are able to understand Hindi or we should tell in English also? Morris, you want to ask something? I have unmuted you. You can ask. Morris? No, ma'am. Yes. Agar class chalne ko nahi kya jaise sense pade? Hello. जी रेडी हो गए कलर? एवरीवन इज रेडी विद देयर कलर्स? व्हाइट में थोड़ा सा रेड मिला के पिंक बनाइए। मुझे देखो मैं बनाती हूँ कलर। धीरे धीरे लग आएंगे ठीक से। ब्रश है ना दो नंबर ब्रश है उससे कलर लाओ। आगला चूड़ा देवी गोटे मुझे।
କଟିଗଲା ବୋଧେ ବଡ ବାବା କଥା ହଉଛନ୍ତି କଟିଦେଲେ ବୋଲିଆ ଦେହ ऐसे भरो सारे जो लाइनिंग करते हैं ना एक एक पाखुड़ा को आउटलाइन दो उसके बाद उसका अंदर ठीक से भर लो देखिए हाँ ये देखिए आउटलाइन के बाद अंदर को भर लो ठीक हो जाएगी इनसे डीप है सर देखिए मेरा हो गया वरना हो गया और उसके बाद जो छोटा सा पाखुड़ा होते हैं ना जो क्या कॉर्ड बोलते हैं हम कौड़ी कौड़ी बोलते हैं बट कली हाँ हाँ कली बोलते हैं कली हाँ जी फूल का कली होता है ना कली को भी भरना हाँ फूल का कली इस टाइप का कली को भी भरना हाँ जी भरने से मुझे बोलेंगे और हम अलग कलर लगाएंगे देखिए हाँ मैं दिखाती हूँ देखिए वो जो पाखुड़ा हो गया है ना उसको देखो ऊपर वाले उसको इस टाइप का ये लाइन को डुबा के भरो इस टाइप का पिंक भरो समझ गए और उसके बाद उसके पास जो कली है इस टाइप का देखो आउटलाइन करके उसके अंदर कलर भरना मैम समझ नहीं आ रहा जी देखिए वो जो पेंटिंग को देखो जो लाइनिंग करते हैं ना आप लोग सारे फूल को लाइनिंग करते हैं ब्लैक में इससे जो ब्लैक से वो जो आउटलाइन होता है इससे कलर लो देखो मैम अभी तो फ्लावर ही नहीं बन रहा ओहो अभी बन रहा है ओके ओके खत्म होने से बाद हम कलर डालेंगे देखिए मैम किसका फ्लावर नहीं बना किसका फ्लावर नहीं बना जो ये क्या बच्चे लोग का नाम मुझे तनिष्का नहीं बना प्रधान समय सर ये आउट स्टूडेंट है तनिष्का नहीं बना चेंज कर दो अरे नहीं जे भूल जिन सटन भूल जिन सटन हो सोना डब से मैंने पढ़ लिया कुछ प्रॉब्लम आने में तो फिर म्यूट कर दीजिए जूनी जी शोभा जी प्रिया यू वांट टू आस्क समथिंग आई एम जस्ट प्रिया
नो मैम ओके देखिए बच्चों ध्यान लगा के कुछ चीज को सुनना ये बड़ी बात है बाकी जो टेक्निकल बात है जो दिख नहीं रहा है ठीक से वो हम कल सॉर्ट आउट कर लेंगे आज आप आर्टिस्ट को सुने समझने की कोशिश कीजिए आपसे एक चीज भले ही ना बन पाया हो लेकिन दूसरी चीजों के बारे में आपका ज्ञान जरूर बढ़ रहा है ध्यान से सुने कल आपका और भी अच्छा होगा ठीक है और कंटिन्यू कीजिए जो जो आज आए हैं कल जरूर आइए ये नहीं कि ये अच्छा नहीं हुआ हम रह गए कल और भी अच्छा होगा आज भी अच्छा होगा सुनते रहिए ये बच्चे लोग को बनाने दो थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि ये तो पहले जो बनाते है ना छोटा छोटा बच्चा है और वो बड़ा नहीं उसको टाइम लगेगा हाँ जी उसके टाइम में जो स्टूडेंट्स यू कैन स्पीक इन इंग्लिश नो प्रॉब्लम एंड शुभा जी इज आल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल and if you want to say something you can also say in english okay ye dekhiye hum jo pehle krishna banate the is type ka color hone ke baad ho jayegi is finishing pata chitra hota hai chota sa piece ye krishna ki hota hai kaun sa brush size use kar rahe hain उसमें जो बारीक होते हैं 000 में यूज करती हूँ मैं नहीं सारे कारीगर 000 से लाइनिंग करते हैं जो सरु लाइनिंग होते हैं वो 000 से होता है 3.0 और उसको भराने के लिए जी उस साइज का भी बहुत सारे कृष्णा अलग अलग पोज का होता है ये भी अलग पोज का है ये देखिए ये भी देखिए उसका बैकग्राउंड अलग अलग होता है ये देखिए और ये देवदासी है एक वो जो मंदिर का बेड़ा में होते हैं देवदासियों वो जो डांसिंग पोज का लेडी बोलते हैं और उसमें भी बहुत सारे पेंटिंग है ये एक अच्छा सा पीस है देखो ये सारे नर्तकी को मतलब गोपियों को मिला के अंदर पहुंचती बोलते हैं वो जो पौराणिक में जो स्वर्ग में रहते हैं बोलते हैं वो जो कंदर पहुंचती सारे गोपियों को मिला के बीच में कृष्णा बैठा हुआ है उसका नेम है कंदर पहुंचती सो चिल्ड्रन मेनली पटचित्र हैज मेनी मिथोलॉजिकल ड्रॉइंग्स एंड सीन्स फ्रॉम various mythology mythological characters so wo banate banate aapko to bahut aage practice karna padega jana padega usme interest hoga to aap aage karenge to simple se shuru karenge jaise lotus flower banaya so we will make a lotus flower today so that your hand gets set and then tomorrow we will do a little bigger thing And then she will tell you all about the lines and colors. And you'll gradually... Ma'am, you can do a class. What are you saying? Yes, Pratika. Ma'am, we can leave a class. No, why? It's not good. What do you think? Ma'am, you can learn now. आराम से देखिए हाँ जी मैम देखिए मैं समझती जो बच्चों को समझती हूँ जी कि लिप से भी वही पेंटिंग एक ही स्केच वो लिप पे होता है और हम कलर से पटचित्र बनाते हैं ये लिप कार्विंग होता है जो आम लिप इन कार्विंग लेकिन स्केच एक ही है एक ही शैली क्या है ओडिसी का ही है अभी लोटस तो इजी बताया जी टीचर ने मैडम ने बहुत इजी बनाया तो वो प्रैक्टिस वो जो बच्चा बनाते हैं वो जो बच्चे बनाते हैं
ये देखिए ये वो भी अच्छे बनाते हैं, ये जो प्रकाश क्या प्रतीक्षा दास, प्रतीक्षा दास बहुत अच्छे बनाते हैं। हाँ तो किसका नहीं बना अभी? आप सब अपना कैमरा ऑन करिए तब हमें पता चलेगा सबका कैमरा ऑफ है। हाँ क्या कैमरा ओके करिए और बाकी भी करिए। कैमरास ऑल ऑफ यू, दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कशॉप। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। प्रतीक्षा दास बहुत बढ़िया, रिद्धिमा आल्सो हैज डन ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किया है। और तनिष मॉरिस विवियन आशुतोष साम्या सौरभ देखिए वाह वेरी नाइस। देखिए बेटा वो जो प्रतीक्षा दास बना रहे हैं ये लेकिन शेडिंग मारते हैं, लेकिन हमारा पटचित्र का कलर जो शेडिंग नहीं होते है। हम लाइनिंग करेंगे। हाँ हम लाइनिंग करेंगे और रेखा चित्र है ना शेडिंग जो होते शेडिंग वाला है जो पेंटिंग ये ट्रेडिशनल नहीं होगा उसमें शेडिंग बना देती हूँ मैम, उसको मैं बना देती हूँ कर दो जैसे उसको पिंक भर लो, उसको पिंक भर लो मैं बताऊंगी। इसमें सॉलिड कलर्स होते हैं पटचित्र में, शेडिंग नहीं होता है, दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग्स। जी वो भी अच्छा बना हुआ है ओके। रितिशा सेनगुप्ता वेरी गुड। और भी दिखाओ, इतने जने हैं आप लोग सब दिखाइए। शो ऑल योर या वेरी गुड यस। व्हाट अबाउट यू, शो योर पेंटिंग। सौरव सम्या यस विवियन वेरी नाइस यू आर लर्निंग इट। विवियन आई डोंट सी विवियन प्रिया यस यू आर लर्निंग इट वेरी नाइस दैट्स गुड गुड दैट्स गुड यू आर लर्निंग इट बहुत ही दिव्य से। यू हैव कलर्ड द पार्ट जाइलो पागल पड़ गया अपने और कहां है वेयर आर द अदर्स। पेंटिंग धीरे धीरे बनते हैं, पेंटिंग धीरे धीरे आप दिखाइए भवन्या दिखाओ। आप अपना पेपर उठाकर दिखाइए। हाँ नाइस नाइस अच्छा बनाया है। अभी नेक्स्ट स्टेप बताएंगे ना तो आउटलाइनिंग वगैरह करना पड़ेगा तो वो बताएंगे। और वेयर आर द अदर्स। देखिए ग्रीन कलर अभी ग्रीन कलर मैडम अभी थोड़ा रुक जाइए एक मिनट, ये बच्चों का थोड़ा हम देखेंगे। हाँ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। एवरीवन स्विच ऑन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। रिद्धिमा प्रिया मॉरिस दीपचन्या आशुतोष तू फोन कर क्यों नितिका हेडशोन यस रेखा शर्मा अनुष्का त्यागी आप अपना काम दिखाएंगे। शुभ ठीक आगे चल। शुभ रेखा देव निकिता कृतिका पावन किसका नहीं हुआ अभी ये कौन है? हेलो जय जाने। हाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिए, शायद आप में से किसी का फिगर ठीक से ना बने लेकिन ये जो चित्रकारी है ये बहुत
मतलब अपने आप में ये यूनिक शैली है। आप आउटलाइन तो ये प्रैक्टिस की बात है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं इसमें सीखने का। जैसे कि आर्टिस्ट ने बताया कि इसमें सॉलिड कलर होता है, उसके बाद आउटलाइन क्या करना है, वो सब चीजें सीखिए। आप आपसे एक स्टेप नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आप ध्यान से सुनिए और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कल इसको कंटिन्यू कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। कल कंटिन्यू कीजिए, जो जो छोड़ के गए उनको बुलाइए। तो सौदामिनी जी, अब ग्रीन कलर करेंगे या कोई और कलर? जी हाँ, नहीं ग्रीन कलर करेंगी, क्योंकि वो जो पत्ता है और ये फूल का जो डंडी है, ये देखिए हाँ डंडी है, उसको ग्रीन लगाएंगे। लाइट ग्रीन मतलब ग्रीन से येलो थोड़ा सा मिलाओ, सॉरी येलो से थोड़ा सा ग्रीन मिलाओ, डीप जो होते हैं ना येलो उसको लाइट करो। आपके पास जो फैब्रिक कलर येलो है उसमें हल्का सा ग्रीन मिला के उसको लाइट ग्रीन करना है। जी 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 सभी का डंडा को और पत्ते को भरना इस टाइप का। आशुतोष क्या बना सक रहे हो? देखिए आशुतोष, पावन, देखिए बच्चे लोग में दो तीनों पत्ते बना हुआ है, लेकिन आप एक पत्ते बने हुए एक ही पत्ते को भरना, और घबराना नहीं कि इतने से क्या है, मैं ही दिखाऊंगी अलग अलग पत्ता, लेकिन आप एक पत्ता बना हुआ है ना इसको ही डालो ग्रीन। आप दिखाएंगे क्या बनाया जी? अरे क्या चित्र ऊपर है? हाँ देखिए मैं ज्यादा पत्ता बना ली, लेकिन बच्चों लोग जो है ना ये एक पत्ता बना हुआ है, लेकिन एक को भरेंगे। तो सौदामिनी जी ने येलो में थोड़ा सा ग्रीन मिलाया और लाइट ग्रीन बनाया, फिर एक पत्ता बोल रहे हैं एक पत्ता भरने के लिए। दैट्स गुड। ये क्या आपका है सौदामिनी जी? जी अच्छा अच्छा तो बच्चे लोग को टाइम लगेगा मैम जो भरने के लिए, थोड़ा थोड़ा भरेंगे। तो पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे। जी 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 देखिए पोटो चित्र सीखने के लिए साल साल लगते हैं। और बच्चे लोग हैं और ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो वो बोर हो जाएगी कि क्योंकि मेरा हुआ नहीं। बेसिक उनको टेक्निक बताना है कि रंग कैसा होता है, कैसे कलरिंग होता है। जैसे आपने बताया कि पटचित्र में सॉलिड कलर्स होते हैं, शेडिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी से डिफरेंट क्यों है जी?
भावन्या ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है? उसके बाद जो पानी होगा उसको लाइट ब्लू भरेंगे इस टाइप का पतला करके। क्योंकि वो जो फूल पानी में होते हैं ना उसका नीचे पानी भरना, पानी कलर हम लाइट ब्लू भरते हैं। ये जो पत्ता को छोड़ के और कली को छोड़ के वो जो बैकग्राउंड को लाइट ब्लू भरो। स्टूडेंट्स आर यू एबल टू फॉलो? शी इज सेइंग नाउ वी हैव टू शो द वॉटर because lotus grows in the water, so we'll mix white and blue to make light blue, and then hum log woh pani ka portion. Ma'am ek baar batana ki ma'am niche wala kaise banayenge? Kaun sa niche? Ma'am jo lotus ke niche jo leaves banayi hai na aapne, to uske niche wala kaise banayenge hum? Leaves ke niche ne नहीं नहीं मैं ज्यादा लिप्स बना दिए हैं आपको दिखाने के लिए। आप एक लिप्स बनाओ बेटा, एक लिप्स बनाओ, एक ही लिप्स बनाओ। मैम ये इसके नीचे दिखाओ पेंटिंग आपकी। मैम इसके नीचे ये वाला कैसे बनाएंगे? अपना पेंटिंग दिखाओ। कौन है? हाँ दिखा किचन कौन मैम ये कैसे बनाएंगे? नीचे वाला ये देखिए, आप नीचे स्केच करके दिखाइए, नीचे थोड़ा स्केच करके दिखाइए। दिखा देती हूँ आपको, देखो बेटा ये देखो, ये हो गया ऊपर वाले, ये हो गया ऊपर। मैम ऊपर वाला समझ आ गया, बस एक बार नीचे वाला बता दो। मैं दिखाती हूँ, मैं इस तरह से वो जो ये दिखाओ, ये जो तीनों है ना, तीन ये जो तीनों है, ये तीनों के मिला के एक ऐसे लो, सेंटर का और दोनों साइड को मिला के नीचे की तरफ जाना है। समझ में आया? Yes, ये तीनों को केला, हाँ, और एक इस टाइप का लेके इधर लगा, बीच का वो है पत्ता और दोनों साइड के पंखुड़ी, उनको मिला के आपको नीचे की तरफ लाना है और फिर बीच से। समझ में आया? शो हाँ बीच से डन एक ऐसे लो, शो ए हुआ ना बेटा, दिखाओ तानिया, प्लीज हैंडल दिस, आई कैन नॉट। वो पिक्चर, वो प्रिया अरोरा जो है, वो उसका नाम तो प्रिया नहीं हो सकता। हाँ अब बना बेटा, प्रिया जस्ट स्टॉप जस्ट नाउ। हाँ शो, हाँ देखें और पास लाओ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बन गया। अभी दोनों साइड से भी बनाओ जैसे वो मैडम ने दिखाया। वेरी गुड,
बाकी जो आगे चल रहे हैं वो पानी बनाओ, पानी कमल का फूल पानी में होता है तो पानी भी बनाओ लाइट ब्लू करके, देखो हाउ शी इज फिलिंग इन द कलर ब्लू टू शो द वॉटर. सिंपल सकल टिके देखे देव तुमको इस समय हमारे बच्चे लोग इतने के लिए हम बिल्ली के अंदर करो चंदी देखे दियो करो चंदी एक ही मैम हेलो हाँ हाँ हम पीले मैंने करो चंदी अब कोविड जी तो चार जनों पीले मात्रा सी चंदी देखो उनके सेकंड की पेंटिंग करते हैं मॉडल टिके कैमरे तंग ऊपर ऑन कर दे देखिए वो सारे कृष्ण लीला होता है पेंटिंग ऊपर बगा ले करो कर बहुत अच्छा. तो दो तीन जने मिलके करते हैं पेंटिंग? नहीं ये स्टूडेंट्स हमारा 20 है लेकिन कोविड जो होते है ना उड़ीसा में वो सारे बंद होता है, वो जो पुलिस है ना वो तो बंद करते है कि जो काम करने का एक साथ बैठ के करना मतलब वो अच्छा. मना करते हैं इसलिए मैं एक फंक्शन होते है ना इसलिए दो चार को मैंने अच्छा, बुलाया है मनाने के लिए. अच्छा जी. ये स्पीक में के प्रोग्राम के लिए आपने उनको बुलाया जी? अच्छा जी 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 मैम. देखिए वो पेंटिंग भी देखिए मेरे पीछे जो है ये मेरा स्टेट अवार्ड का पेंटिंग होता है और जो बीच में है जो पीछे है इसमें अच्छा. भी कृष्णा की कहानी होता है सारे इसमें भी मेरे को स्टेट अवार्ड मिला है. कितना टाइम लगा मेरा नेशनल अवार्ड? ये एक साल से ज्यादा लगा हुआ है, बहुत छोटा सा फिगर होता है इसमें. ठीक है कैमरा स्पॉट करो. हाँ सारे बच्चे आप लोग देखो कि आगे आगे आप भी ऐसे बनाओगे. ठीक है तो आपको ये मैम नेचुरल कलर से होते हैं ना इसलिए वो. हाँ ये मैडम ने बनाया है पूरा नेचुरल कलर से और बहुत मेहनत का काम है. धीरे धीरे आप लोग भी ऐसे बना पाओगे, बनाते रहोगे और पेशेंस इसमें आपका धैर्य कैसे आप धीरज रख सकते हैं, इम्पेशेंट नहीं होना. जो भी काम करोगे तो वो आराम से पूरा फोकस लगा के और मन लगा के और धीरे धीरे करना है. जैसे मेरा नहीं हो रहा है चिंता नहीं करो, धीरे से होगा. नहीं हाँ जो मनुष्य होता है ना उसके उससे कौन सी जो क्या सब कुछ संभव होता है, असंभव कुछ नहीं होता है. हाँ घबराना नहीं, आपका होगा. अभी हम आज तो छोटा काम से शुरू कर रहे हैं ताकि आपका हाथ स्टेडी हो जाए. आगे आगे हम कल फिर और भी देखिए काम करेंगे. ओ जो मैम ये जो होता है ना जी, सौदामिनी जी ने ये नेशनल पेंटिंग दिखाया उसको बनाने में उनको एक साल लगा उसी एक पेंटिंग को. तो आप धैर्य रखिए और जिससे जितना बन पाए कीजिए और सुनिए और कल आइए. ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो टिप्स दे रही हैं, जो बता रही है छोटी छोटी बातें वो आप अपने काम में लगा सकते हैं. नॉट ओनली इन पेंटिंग, इन ऑल योर अदर वर्क ऑल्सो यू कैन यूज दिस स्मॉल टिप्स दैट शी इज गिविंग बेस्ड ऑन हर पेंटिंग.
मेरा और भी एक पेंटिंग है जो नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, उसमें उसमें मैं विष्णु का 20 रूपए बनाते हैं, वो दिखाती हैं वो पेंटिंग देखो, उसमें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड पेंटिंग ऊपर पकड़ा। बड़ी बात ये है बच्चे लोग, आप लोग जी मैम आप पहचान सकोगे कि पटचित्र क्या है, कहां भी जहां कहीं भी आप देखोगे बाहर, म्यूजियम में, किसी के घर में, कहीं पे जाओगे तो दुकान में आप पहचान सकते हैं कि ये पटचित्र है। देखिए ये मैम मेरा नेशनल अवार्ड का पेंटिंग है, ये सारे सबसे नेचुरल कलर से है और 20 वाले 200 रुपए होता है। वो तो बहुत सारे बारीक काम है, कैमरा में इतने क्लियर नहीं होते हैं। ये देखिए ये 20 वाले देखिए, वो नीचे होता है ना, ये जो पद्म बोलते हैं जो कमल के अंदर दिखाओ, गीता कमल का फूल है, उसके अंदर क्या है? हाँ काम गीता है, गीता मतलब जो अर्जुन ने जो कृष्ण जो गीता मतलब क्या अर्जुन और कृष्ण का वो जो कृष्ण ने अर्जुन को 20 रूपए दिखाती है वही गीता, और ऊपर से देखिए 20 रूपए होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा क्लियर 20 रूपए। इस वो जो अवार्ड पीस होते हैं ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा बारीक भी है, उसको भी बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगते हैं। बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे देवा देवियों है, उस वो जो पीस होते हैं ना सबसे अच्छा पीस भी होते हैं, छोटा छोटा फिगर होता है इसमें, बहुत सारे देवा देवी है। अच्छा। हाँ बच्चों का कहाँ तक गया देखते हैं? हाँ हाँ देखा देखा स्टूडेंट लोग को दिखाए इत क्या है बोलो। हाँ भवन भवन्या भवन्या आपका कहाँ तक गया देखे? हाँ दैट्स गुड। देखिए सौदामिनी जी आप देखिए बताइए कैसा इसका हुआ, ये भवन्या का कैसा कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं? हाँ 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 बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जी और थोड़ा सा ऊपर पानी लाओ। समझ गए भावन्या, थोड़ा सा और पानी दिखाना है ऊपर, उधर लेफ्ट साइड में भी। वेरी नाइस, बहुत भोला बच्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाओ दीपचन्या बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है। और किसका बना पानी, पानी और किसने बनाया? रितिशा, वाह वेरी नाइस। और कौन है? विवियन, विवियन का क्या हुआ? मॉरिस विवियन और कौन किचन करना चाहिए मसाले के सजा पत्ते बना विवियन रिया ना सॉरी ना ड्री आशुतोष हल शोन एनीथिंग ट्रेवन रेज द हैंड हाँ इसमें रंग भरो ट्रेवन वेरी नाइस मॉरिस वेरी नाइस ड्राइंग इज वेरी गुड गुड गुड
स्वदामिनी जी आप म्यूट पे हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना नेम चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। अरे बच्चे उठना कॉलर भरना खत्म होगी। अभी हम लाइनिंग करेंगे। दिखाई नहीं दे रहे मैं स्क्रीन में, आप दिखाई नहीं दे रहे। हेलो बता अभी हम दो कलर भरना खत्म हो गए, हम लाइनिंग करेंगे। वो जो बच्चे लोग 000 जो ब्रश किए थे, 000 ब्रश निकालो और ब्लैक कलर निकालो। दिखाई नहीं दे रहा पिक्चर आपका। सिंपल पिक्चर देखो जाएंगे सिंपल। हाँ देखा जाएंगे जैसे पहले फिक्स किया था वैसे फिक्स कर दीजिए। अपन जो क्लोजर का रखा होने जो चित्र करथले हेलो 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 हमारा नेट खत्म हो गया है इसलिए ओडिशा में बात नहीं है इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। क्या हुआ?
जी मैम हेलो से सब केमिते तो कनेक्ट होबे नि पुनि कट जाउ छी पुनि हेलो हेलो किछु जुगे जाउ किछु हेलो हेलो हमें सुनी पर छै अपन को आ गया जोटा क्लोज अप जी जी क्लोज अप कैमरा से जी सर एक एक मोबाइल से नेट कनेक्शन खत्म हो गई अच्छा अच्छा हां हां इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और बारिश ज्यादा होती वेरी नाइस श्रवण गुड very nice show again wow good just keep it just like that just once more hold from the other side also that's better thank you which class are you in? 4. Class 4. 4. Okay. Which school? We have to unmute him. Unmute. Which school? Ma'am, Navy Children's School. Where? Which place? Huh? Place batao, place. Ma'am in Goa. Okay. Oh, wonderful. So you must have seen many lotuses in the ponds. And yes, ma'am, there are many lakes in our near. Yeah, very good. Good, good. So you've learned something basic of Patachitra now. Okay. Pratiksha. Very good. Good. वो पानी थोड़ा ऊपर करना था और थोड़ा ऊपर पानी दिखाना है वेरी नाइस इसमें एक बॉर्डर लगा दो ये सारे बच्चे लोग कलर भर लिए आप देख लीजिए एक बार सबका तो आप बता सकते हैं कैसे हुआ जी सबका एक बार देख लीजिए हेलो 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 हाँ मैं लाइनिंग करूंगी मैम वो सबसे लंबा कलर भर लिए कलर तो कर लिया बहुत लोगों ने कलर कर लिया है कैसे लाइनिंग होते हैं क्या ब्लैक कलर और ट्रिपल जीरो ब्रश बोले थे लेने के लिए उनको ब्रश से ट्रिपल जीरो निकालिए और उसके बाद आवाज कट रहा है जी जो बारिश हुई इसलिए ये देखिए मैं बनाती हूँ और इसमें लाइनिंग करते हैं वो ट्रिपल जीरो दो से
किस प्रश्न में? ट्रिपल जीरो ट्रिपल ट्रिपल जीरो जीरो अच्छा जी बहुत ही फाइन ब्रश है ये देखिए ट्रिपल जीरो कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रसन्ना फाइंड आउट व्हाट्स द प्रॉब्लम आपनकर फोन ला कोटा साउंड आसुचे ऑडियो आसुचे किंतु वीडियो देखा होनी जी आपनकर वीडियो देखा होनी जो मैं बना दी हूं ना सेटा देखा होनी सेटा जो अलगा हां जो सेकंड जो फोन चित्र देखा जाउनी ना सेकंड जो फोन देखा जाउनी के ना आपण जो कहू चंदे भी सेटा देखा जाउनी तो सेकंड जो थरे चित्र आसु जे सेई मोबाइल टा को सेटा ठीक चालू छै ना डेटा सरिया जेली कहथले हेलो जी मैम हेलो हाँ चित्र भी देखा जाऊनी तमरो फोटो भी देखा जाऊनी हाँ वॉइस भी एमटी आवाज मैडम देखो ये जो वर्षा हो जे मैं जो वर्षा हला ओडिसा रे अच्छा अच्छा तबे नेट प्रॉब्लम जे हला ने वॉइस में पहुंचे काली मैडम आथरे हम भी डिस्प्ले पे वर्षा जो पे कनेक्शन हो नहीं ठीक है ओहो एबे वर्षा एबे भी वर्षा के जोरदार हो गया हो कि नहीं एबे heavy rainfall over there so that is why the network has got disturbed doesn't matter let the children complete this painting simple mo complete kar doji मारे रेड कलर फैब्रिक टा को आ गोटे सॉल्व पुल मते दे वेरी नाइस Morris, show yours. Oops. Ouch.
Ma'am, can I show you my damn drawing? Show your drawing. You're showing it upside down. Yeah. Oh, this is another drawing you have done. Are wow, very good. What are you, this is a bridge. What are you showing here? Ma'am, it's a dam. Okay, okay. Good. I was near to that. Okay, very nice. You have a good hand. So you must try this patat chitra also, because then you will have more finer lines. Okay. So finish your patat chitra, that yes, lotus. Ma'am. You have to make the border outline also of the flower and the petals. Okay. With the fine, if you don't have a brush, fine pen or something like that, you can use, I think. हेलो आप जी मैम देखिए ये सिर्फ लाइनिंग हो गई लेकिन उसके बाद रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा है देखो ना मैम तानिया नथिंग कैन बी सीन ऑफ सौदामिनी जी एंड हर painting also yes ma'am yeah ma'am dikhaye gaye na dikhai nahi de raha unka kya kya problem स्टूडेंट्स मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में आप उस ग्रुप से जुड़ जाए और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं और आप कल भी इस प्रोग्राम से जुड़िए और इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा
दोबारा बोल दीजिए तानिया, दोबारा बोल दो। ओके स्टूडेंट्स, आप इस प्रोग्राम से बने रहिए, कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप, मैंने इसकी जो लिंक है वो चैट बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा वहां भी। क्लियर देखा जा रहा है, पाउडर पके लगा सुन दे इसको ना, कैमरा ऊपर की से मैंने बोला कि मैं काटती हूँ। हेलो हेलो जी मैम, आई थिंक सिंस यू नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल एट सौदामिनी जीज एंड साइड, सो व्हाट वी सजेस्ट इज वी विल लाइक वाइंड अप टुडे एंड वी विल स्टार्ट अगेन टुमारो एंड वी विल ऑल जॉइन एट 8:45 एंड वी विल कंटिन्यू विद। आई हैव अ सजेशन, शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हर बैंडविड्थ एंड ऑल। Right. I have a suggestion. If the students wish, they can leave. Let's have a discussion with Sadamini. No, well, I'll right. Prasanna ji, we'll talk about this later. But as of now, I think we can wind it up here. Right. Okay. Right.
So thank you all of you, all of right. Riya, would you like to wind it up? Riya or Tanya, who is supposed to be winding up? Can Swadhamini ji speak? Is her voice audible? No. Okay. Only her camera is on. Her voice. We can hear her. No, no, we cannot hear her. No, no, we cannot hear her. She's but not really? It's all cracking. Yes. Okay. So okay. I think we'll just wind it up here. So I request Tanya to take over. Let me speak with the students a bit. देखिए बच्चों, you have joined, आपने आप सब यहाँ पे join किए हैं देश के दूर दूर कोने से, मतलब सौदामिनी जी यहाँ उड़ीसा में हैं, हमारे साथ गोवा से स्टूडेंट हैं और न जाने कहाँ कहाँ से, तो इसका एक ही मतलब है कि हम सब सिंसियर हैं एक नई कलाकृति को जानने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको और डीपली समझने के लिए, तो इसमें टाइम लगता है। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, उसके बावजूद जो भी हमारे आर्टिस्ट सौदामिनी जी आपसे बोलना चाहती थी, उसमें से मुझे लगता है कि 70% to 80% उन्होंने उसमें वो सफल रहे। बाकी जो कमियां हैं वो कल पूरी की जाएगी और टेक्निकल इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू कीजिए और कल भी आइए। इसमें ये जो कला शैली जो है ये बहुत इंट्रिकेट है, इसमें बहुत ही बारीक काम होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप कितना कर पाए वो भी जरूरी है और आप कितना जानते हैं या जान पाए वो भी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना कि सौदामिनी जी को जिस पेंटिंग पर नेशनल अवार्ड मिला उस पर उन्होंने 1 साल से 1.5 साल तक काम किया है, तो ये कुछ तो होगा जिसको लेकर के ये कलाकृति अब तक जीवित है और इसे अपनी जीविका के रूप में, अपने लाइवलीहुड के रूप में अपना कर कितने सारे लोग अपनी गुजर बसर करते हैं। तो कुछ तो है इसमें, तो वो क्या चीज है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और हमसे जितना बन पाए इसे हम प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। हम ऐसे ही जानने नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम इसको सीखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कल जरूर ज्वाइन कीजिए और यही स्पिरिट को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को आज के आगे कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगी। तो आज 12 से 1:15 आप होलिस्टिक लंच कीजिएगा, 1:15 से 2 योग निद्रा, 2 से 3:30 पंडित मुर्तजा दानिश हुसैन जी दास पाऊंगी, 3:30 से 5 विदुषी तीजन पाई जी पांडवानी, 5 से 6 होलिस्टिक डिनर, 6 से 7:30 विदुषी एन राजम जी हिंदुस्तानी वायलिन, 7:30 से 9 विदुषी अरुणा साई राम जी कार्नेटिक वॉकर। आप सभी इन कार्यक्रमों को ज्वाइन कीजिएगा। सो आज के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग कल भी इस कार्यक्रम में जुड़िए और 8:45 तक इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप भी भारतीय संस्कृति की चीजों को सीख सकते हैं। मैं सौदामिनी स्वयं जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमारे बीच आई और अब बच्चों को अपनी प्रतिभा से प्रेरित किया। और इस कार्यक्रम से जुड़े मैं सभी सहयोगी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, SRA फाउंडेशन, अशोक लेलैंड, तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी, डॉक्टर किरण सेठ, कुसुम नगर, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, और कल भी आप ज्वाइन कर सकें।
Bye, Didi. Ravan, you must go for your lunch. Mama. Then you have to attend the next program. Go on. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Wait 1 second, ma'am.